हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में भी होंगे। तो आज मैं देखने वाला हूँ दादाजी की गर्लफ्रेंड सनी लियोन। तो ये है ब्लॉग आकाश थापा का। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आकाश थापा के ब्लॉग्स भी देखो, तो फाइनली आज मैं देखने वाला हूँ। ये लेटेस्ट ब्लॉग है इनका, जो कि लास्ट जो इनकी वीडियो आई है। तो देखते हैं, होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी, एंड तक देखना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ओ, बजाने आता भी है तुम्हें? भैया जॉब अच्छी नहीं लग रही, छोड़ दो। मैं तो कह रहा ऐसा बैठो मत, छोड़ दो। What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog. So right now आप यहाँ पर हमारा जो गिटार है, आई नो आप लोग को पता नहीं होगा, कितने सारे लोग को पता नहीं होगा हमारे पास एक गिटार था। एंड गिटार है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बजाना आता है। मैं नेपाल से मेरे भैया का लेके आ गया था, मतलब उठा के लेके आ गया था। मेरे को भले ही नहीं आता था, बट उस टाइम पे शौक ऐसा था कि मतलब लाइक उठा के लेके आ जाओ। सो मैं आ तो गया, फिर मेरे को बजाना नहीं आता, तो मैं सीख ही रहा था। तो फिर उसमें सीखते सीखते मेरा कुछ ऐसा हालत हो गया, उस टाइम पे मैं बच्चा था, तो एक ही इसका मतलब स्ट्रिंग जो है एक ही है। फिर मैंने बोला कि चलो भाई वापस से स्टार्ट करते हैं सीखना। सीखने से पहले ऑब्वियसली मेरे को बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी एक ही स्ट्रिंग है और ऑब्वियसली इसमें होते छह हैं। तो मेगा और मैंने प्लान बनाया कि आज चलते हैं हम एंड बनाते हैं हमारा ये जो गिटार। भैया इसका बना दो बढ़िया, इसका एक स्ट्रिंग बचा है बस, बाकी तो सब निकल गया। क्या बचा? क्या एक बचा तो क्या बचा? वही तो, वो एक भी बचा हुआ निकालना ही पड़ेगा वो भी। ये मतलब इसकी हालत में है ये बनाने वाले, पूरा तो खराब नहीं हुआ ना? चाहे एक पिन भी नहीं इसमें, एक ये भी नहीं है ना? पिन नहीं है। चलो पिन डाल देंगे। ये कभी चाहिए? ये अभी मिल जाएगा? आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा चलेगा तो उसका हो जाएगा 650 हो जाएगा। कम नहीं होगा थोड़ा? एकदम होलसेल रेट में। अगर शोरूम में जाओ 450 इसका, 400 रुपए बैग का, मतलब कितना 850 रुपए। पहले बात किया था यहाँ पर। हाँ वही 650 में आपको हो जाएगा, मतलब 300 रुपए स्ट्रिंग का, 350 बैग का। हाँ ये पूरा साफ कर दो, एकदम नया बना दो। देखा ये पॉलिश हुआ है? पॉलिश हो गया। बैग भी लिया। थैंक यू भैया। मैंने बैग तो ऐसे टांगा है जैसे खूब बजाने आता हो। लोग पक्का यहाँ पर बोलेंगे कि आए हाय कितना कूल बजाता होगा एकदम गिटार, बट उनको थोड़ी पता है बिगिनर हूँ मैं। एंड गाइस ये जो जगह है ये है अपने मलाड का एक नंबर। मेरे को यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और गंदी भी लगती है। एक अच्छी चीज इसीलिए बिकॉज यहाँ पर ना सब चीज है, जैसे फोन का हो या फिर यहाँ पर डी मार्ट टाइप में है जहाँ पर आप घर का पूरा सामान ले सकते हो। गंदी चीज ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, यही इसकी वजह से ही यहाँ से लेके वहाँ तक ट्रैफिक इतनी गंदी होती है। यहीं पर मतलब एक दो घंटे चले जाते हैं। बट बाकी अभी ये जगह हम आए हैं पावर बैंक लेने के लिए, बिकॉज जो मेरा पहला वाला पावर बैंक था जो मैंने लिया था वो नेपाल में जाते ही मेरे बुआ के घर पे छूट गया। अभी मैं जा रहा हूँ दुबई, तो ऑब्वियसली मैं उसको लेके जाऊँगा पावर बैंक, वहाँ पर जरूरत होगी मेरे को। पावर बैंक दिखा दो। आईफोन में हो जाएगा कनेक्ट? आए हाय कितना सीरियस हो आप, हंसो। अभी दो, इतने सीरियस हो गए थे आप कब से? तो पहले मेरा प्लान था कि मैं आईफोन का ईयरफोन लूँ, बट फिर देन उसके बाद मेरे को ऑफिस से ट्रैवल करना है, उसमें उसका जो लंबा तार है वो मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है। सो मैं सोच रहा हूँ कि हेडफोन ले लेता हूँ, इट्स लाइक वेरी नाइस, अब मेरे को ट्रैवल में भी प्रॉब्लम नहीं होगा और मैं अपना मतलब मस्त धुन में चला सकता हूँ, और एडिटिंग में भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आईफोन का जो ईयरफोन्स है वो लैपटॉप में लगता नहीं है, मैकबुक में। सो मेरे को ये लेना पड़ेगा। सो गाइज हम लोग घर पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमने अपने डॉक्टर को दिखाया, ये देखो कैसा बनाया पापा ने, सबसे पहले रिव्यू। पापा ये लग भी रहा था क्योंकि फेस से काफी सिमिलर। ओ बजाने आता भी है तुम्हें? अरे हाय कयामत से कयामत तक का गाना गाते। अरे वाह क्या बात है, 90s के शाहरुख खान। हाय हाय तुम्हारी काजल तो नहीं है बस इधर ना? काजल होती तो और ज्यादा एकदम खतरनाक बचता। एक हफ्ते बाद आएगी तुम्हारी काजल मम्मी। अरे वाह अंडा खा रहे हो पापा जी, हमारे पापा इतने प्यारे। अभी जस्ट वो आए ड्यूटी से तो वो खाना खा रहे थे, दाल और भात बना था, और वो ऑब्वियसली मतलब उसके साथ ना अंडा खाते रहते, तो क्या है दीदी रहती है ना बरसात दीदी, तो वो मतलब दीदी को बोल देते। अभी क्या है मेघा और मैं थे तो वो उनको हमें कुछ ना बोल के बेचारे वो खुद बनाने जा रहे थे, बट मेघा ने देख लिया, मेघा ने बना दिया। चलो कोई नहीं टेंशन मत लो, अभी तो मतलब एक हफ्ता ये मेघा बना देगी, फिर बाद में तो तुम्हारी हीरोइन आ ही रही है। मिस तो बहुत कर रहे हैं पापा। कसम से अभी तो खा लो, अभी तो मेगा बना ही देगी, मैं बना दूंगा, बट फिर वही एक हफ्ते के बाद तो ऑब्वियसली आपका काम इजी हो जाएगा। मम्मी आएगी, मम्मी बना देगी, तीन चार पॉइंट उधर। अरे वो कपड़ा, अरे कपड़ा तो वो धो ही दूंगा मैं, टेंशन ना लो। सूख भी गया होगा बाहर। तुमने धो दिया? अरे वाह भाई साहब, दो शर्ट दो कच्छे दो। अच्छा भाई सॉरी, तीन पैंट
दो शर्ट और एक कच्छा जो था वो धोने के लिए कच्छा। दो कच्छे, अरे बस इतने डिटेल में क्या जा रहे हो, तो दो कच्छे थे तो वो मतलब मैंने धोने के लिए रख दिया था और धोया भी नहीं था, वो पानी में रख दिया था, तो मेरे बेचारे पापा ने धो दिया। एंड क्योंकि मैं लॉन्ड्री के लिए भेजता नहीं हूँ, लॉन्ड्री के लिए अगर भेजो ना तो एक दो दिन के बाद आता है, तो मेरे को पैंट जो मैंने धोने के लिए रखा था वो मेरे को कभी भी चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने वो दिया नहीं, तो वो मैंने धोने के लिए रख दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में धोऊंगा, बट मेरे पापा जो है एक ही कलर के दो पैंट ले, समझे, एक ही कलर के दो पैंट, एक गंदा हो जाता है तो दूसरा पैंट। अच्छा अच्छा, अरे नहीं यार कहाँ दो दो, जैसे कि बोलते हैं ना 10 साल के बच्चे के पास खिलौना आ जाता है नया, जो मतलब वो कब से चाहता है और उसको मिल जाता है, तो वो मतलब पूरे दिन या फिर दो दिन के लिए वो अपने पास ही रखता है, तो सेम मेरे पास भी यही हालत है, तो मैंने कब से ऐसा बाजार आ रहा है, मेरी उंगलियां देखी हुई इतना ज्यादा दर्द हो रहा है इसमें कसम से भाई, बोलते हैं ना नो पेन नो गेन वैसा वाला सीन है। आई नो मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे बोलते हैं ना इंटरेस्ट वाली, जैसे अभी तक तो इंटरेस्ट है क्योंकि गिटार बन के आ गया, अभी मैं बजा रहा हूँ, बस ये कितना बोलते चार दिन के लिए होगा, फिर पांचवे दिन से फिर ये कोने में पड़ा होगा, ये मेगा बजा रही होगी, फिर मैं अलग साइड में, बट अभी तक तो मैंने थोड़ा बहुत सीख ही लिया है जितना मतलब मेरे को आता है। सो गाइस अभी मैं हूँ अंधेरी स्टेशन एंड जा रहा हूँ मैं अभी बांद्रा, एंड योगेश, हमारा प्लान था कि योगेश इधर आएगा अंधेरी में, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे बांद्रा, बट वो अभी लेट हो गया, तो मैं अभी यहीं से निकल रहा हूँ बांद्रा। बाकी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इतने सारे लोग विदाउट मास्क है, आई नो हमें अलाउ कर दिया है कि मतलब अभी मास्क नहीं पहन सकते हम, रिमूव कर सकते हैं, बट वही है कि अभी ये चांसेस है जहाँ पर हमारा जो कोविड है वो दोबारा बढ़ सकता है, मतलब लाइक अभी तो कम हो गया, दिन के कितने बहुत ही कम केसेस आ रहे हैं। एंड बाय द वे मैं भी पहनता हूँ, ऐसा नहीं है व्लॉग के टाइम पे मैं ऐसा खोल देता हूँ, वरना तो मैं पहनता ही हूँ। भैया चर्चगेट फास्ट कौन से, ये रुकेगा ना बांद्रा डायरेक्ट, ट्रेन वगैरह जल्दी तो पहुंचा देती है, बट एक चीज़ है जो मेरे को इतना गुस्सा आता है ना उसमें, इतने प्यार से मेहनत किया हुआ स्त्री वाले कपड़े लोगों की वजह से कचपुच हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, पूरा आउटफिट की ऐसी तैसी हो जाती है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जीवन। जीवन भाई थैंक यू सो मच, जीवन और तुम रावण? फैज भाई चलो थैंक यू, सब्सक्राइबर मिले थैंक यू भाई, चलो बाय बाय। भैया हम ना आधे घंटे से घूम रहे हैं, पता नहीं चल रहा ये जूते की दुकान कहाँ पर होगी यहाँ पर, ये सब तो है दुकान। मजाक कर रहा हूँ यार। भैया जॉब अच्छी नहीं लग रही, छोड़ दो, मैं तो कह रहा ऐसा बैठो मत, स्माइल करके बैठो भाई, ऐसे बैठे हो जैसे जैसे दुकानदारी नहीं हो सुबह से। गाइस शॉपिंग, भैया थोड़ा धीरे बोल लो, वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस शॉपिंग करते करते कसम से मैंने सोचा कि इस बार की शॉपिंग जो होगी हमारी एक दो घंटे में निपट जाएगी, चार घंटे हो गए घूम रहे हो और शॉपिंग देखो, ये योगेश का पार्ट है इतना सारा भर भर के लिया है और ये मेरा वाला है, हमें बहुत ही सही सही कपड़े मिले इस बार। सो गाइस यहाँ पर क्या बन रहा है भाई, क्या बोलते हैं चना अचार, अरे क्या बात है, क्या नाम, चार नहीं चना अचार, क्या नाम है दादाजी आपका? चंद्रजीत सरोज। दो कलर होते हैं, एक होता है ग्रीन एक होता है नियोन, हमारे दादाजी की गर्लफ्रेंड सनी लियोन, ये पता है कौन है, हीरोइन है हीरोइन। हमारा पता कैसे रहता है, हम बारी बारी खिलाते हैं, जैसे मैंने आज खिलाया तो ये कल ये खिलाएगा, तो मैंने कुछ टाइम पहले खिलाया था, फिर उसके बाद हम मिले नहीं, फिर आज मिले, तो आज इसकी बारी थी, तो ये इतना तेज है, अपनी बारी में था लेके आ जाता चना चना खाने के लिए, वैसे कोई नहीं खा ले, वो भी खा लियो, वो भी खा लेंगे, ये खा लियो नहीं खिला दियो, मैं खिला दूंगा। ओए होए कैमरे में बोलता है गाइस ये, और वरना ऐसे नहीं बोलता ये। बैक टू दी होम, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, बाकी बहुत रात हो चुकी है, मेरे को कल सुबह जल्दी उठना है बिकॉज कल मेरा शूट है विद टाइगर श्रॉफ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं कल मिलने वाला हूँ जिनको देख के मैंने मतलब ऑलमोस्ट फ्लिप वगैरह स्टार्ट किया था, so वो भी व्लॉग आएगा फिर हां में, बाकी भी देखिए, मतलब व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके तो टाइगर श्रॉफ अदबीन का व्लॉग आने वाला है, मुझे तो लग रहा है कि आएगा, क्योंकि अगर शूट वगैरह है तो व्लॉग लाजमी बनाएंगे, क्योंकि ये तकरीबन जो डेली व्लॉग कर रहे हैं, डेली अगर ना भी है तो दो दिन बाद इनका आई थिंक व्लॉग आ रहा है, सो देखते हैं, अगर टाइगर श्रॉफ के साथ आया तो उसको भी ज़रूर देखेंगे, अगर आप लोग चाहते हो तो कॉमेंट जरूर बताना, मैं फिर देखूँगा, और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है, ये वाला इनका व्लॉग अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसके लिए हमने टाइटल जो देखा था हमने दादाजी की गर्लफ्रेंड सनी लियोन, वो एक डायलॉग था उन्होंने जो खुद मारा दादाजी पे, तो मज़े का था उसके, थोड़ा सा फनी उन्होंने दादाजी के साथ किया, तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना वीडियो को और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो में आ रहा है, तो जल्दी से जाओ फॉलो करो जाके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।